नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। कर्नाटक, पिछले 24 घंटों में 214 नए कोरोना पॉजिटिव, 488 हुए डिस्चार्ज, 12 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक, 25 अक्टूबर से फिर से खुलेंगे प्राथमिक स्कूल। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा। कर्नाटक कांग्रेस ने पीएम के खिलाफ ट्वीट डिलीट किया, नौसिखिया पर आरोप लगाया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कर्नाटका हवाई अड्डों पर अब आरटीपीसीआर जांच नहीं होगी। कर्नाटक, मैसूर रोड पर व्यस्त जंक्शन पर ट्रैफिक पुलिस ने भरे गड्ढे। मुख्यमंत्री ने नगर निकायों को बाढ़ रोकने के लिए नालियां ठीक करने का निर्देश दिया। बच्चों के लिए आधा टिकट, कर्नाटका राज्य सड़क परिवहन निगम उम्र प्रमाण चाहता है। कर्नाटक में धर्मांतरण का मामला, धर्मांतरण के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने रविवार को हुबली स्थित चर्च में भजन गाए। पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि चर्च के पादरी सोमो अवराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंडिया चाइना लैग पर चीन की सैन्य गतिविधियों में इजाफा, भारतीय कमांडर ने जाहिर की चिंता। गुजरात केएमजे जनरल अस्पताल में डॉक्टर ने पथरी की जगह निकाली किडनी, अस्पताल को भरना होगा 11.23 लाख रुपए हर्जाना। जम्मू कश्मीर में एनआईए करेगी माखनलाल बिंद्रू और वीरेंद्र पासवान की हत्या की जांच। उत्तराखंड, पीएम मोदी ने सीएम धामी से की बात, नैनीताल में फटा बादल, लोगों के दबे होने की आशंका। नीरव मोदी को अमेरिकी कोर्ट से झटका, धोखाधड़ी के आरोप खारिज करने की याचिका नामंजूर। बिहार बीजेपी एमएलए की अनोखी मांग, कश्मीर में बाहरी लोगों को सुरक्षा के लिए मुफ्त में AK-47 दे सरकार। बिहार पंचायत चुनाव, बंदूक के बल पर वोटरों को किया जा रहा था प्रभावित, पुलिस ने कर दी छापेमारी, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। लखबीर की हत्या के बाद बड़ा दबाव, सिंघू बॉर्डर पर निहंग रहेंगे या नहीं, 27 को फैसला। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हनी ट्रैप, अश्लील वीडियो बनाकर कपड़ा व्यापारी को किया ब्लैकमेल, मांगे 50 लाख। हरियाणा मॉब लिंचिंग, गौरव हत्याकांड का मास्टरमाइंड चढ़ा पुलिस के हत्थे, एक साथी भी गिरफ्तार। फरीदाबाद, पैसों के लेन देन में जीजे ने साले को मारी गोली, पैरोल पर बाहर आया था आरोपी। रणजीत सिंह हत्याकांड, सजा पाने के बाद राम रहीम बोला, जेल में वीडियो बनाने की इजाजत मिले, जज ने खारिज की मांग। हरियाणा, सीरो सर्वे की तीसरी रिपोर्ट जारी, 76.3% लोगों में बनी एंटीबॉडी। अखिलेश यादव, क्या 2022 का यूपी चुनाव फिर हारेंगे, चाचा शिवपाल यादव ने दिया ये बड़ा बयान। भदोही, बारिश के साथ आसमान से बरसी 50 किलो से ज्यादा मछलियां, अचंभित रह गए लोग। वही मौसम विशेषज्ञ की अगर माने तो उनका कहना है कि कभी कभी निम्न दबाव क्षेत्र बनने के कारण ऐसा होता है, नदियां तालाब के पास बनी चक्रवाती हवा मछलियों को भी उड़ा ले जाती हैं और आसपास के क्षेत्रों में बारिश के दौरान ऐसा देखने को मिलता है। पटना के फैन ने अमिताभ बच्चन को कराया गलती का एहसास, तो बिग बी ने मांगी माफी। महंगे ईंधन को लेकर भाजपा के चुनावी नारों पर शिवसेना बोली, आज कोई नहीं बोल रहा पेट्रोल सस्ता चाहिए कि नहीं। मुंबई, बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना ने किया बड़ा दावा, बीजेपी को लग सकता है झटका। तुर्की के भूमध्य सागरीय तट पर भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6 रही तीव्रता। लंदन, 6 महीने से पेट दर्द से तड़प रहा था शख्स, डॉक्टर ने सर्जरी कर निकाला मोबाइल। बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग गिरी, अब हर मामले में एक्स बॉस की सलाह ले रहे यूएस प्रेसिडेंट। ताइवान के रास्ते वॉरशिप भेजने से यूएस कनाडा पर बौखलाया चीन, हाई अलर्ट पर पीएलए। केपी एक्सप्रेस में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।